हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोड कर रहे हैं। देखो, दम्माम से हमारी गाड़ी लोड हो रही है जद्दा के लिए। तो अभी हम जद्दा के लिए लोड कर रहे हैं दम्माम से। हमारा जो सफ़र होने वाला है वो 1500 किलोमीटर होने वाला है, और अभी हम जाने वाले हैं रियाद की तरफ से। रियाद जाएंगे, फिर रियाद से जाएंगे ताइफ, ताइफ से फिर जद्दा जाएंगे। तो हम एक तबलिया तो गिरने से बच गई थी पहले जो लेकर आया ना, और के पीछे से उठ गया था इसमें हमें बेल्ट बांधनी पड़ेगी। ऊपर भी देखो अड़ रहा है, अड़ गया ऊपर भी, रखी गई भाई तबलिया। लेकिन इस पर हमें बेल्ट बांधने की भी जगह नहीं मिलेगी। बेल्ट कैसे मारेंगे हम इस पर? गाइस, इसको खोलते हैं यहाँ से। इसको उठाया और इसको करा, इसको खींचेंगे हम नीचे वाले को। ये जो है ऐसे खोला और इसको खींच दिया, फिर इसको ऊपर भी उठा देंगे। ये हमारा खुल गया। हमें इस साइड का भी ये पर्दा खोलना पड़ेगा पूरा, ये पूरा पर्दा खोलना पड़ेगा हमें इस साइड का भी। ये ऐसे खुलता है। अभी मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो है ना वो सिलो खुल रहा है ना, बहुत कैसे खुल जाता है। ऐसे खींचो पकड़ के, बस इसको खींचना यूँ और यहाँ से निकल लेना है। आज तो पहली बार ऐसा लोड मिला है, पता नहीं कैसा लोड है। 6 तबली में पूरी गाड़ी लोड हो गई। सिर्फ पूरी गाड़ी में 6 ही तबलियाँ आई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। कम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी हम चलते हैं दम्माम से। हम निकल चुके हैं गाड़ी लोड करके जद्दा के लिए। तो अभी चलते हैं रास्ते में, तो देखते रहिएगा। अभी आगे एक मीज़ान था, जो मीज़ान है ना वो पहले बन रहा था, अभी देखते हैं आगे बना है या नहीं बना है। तो उस पर काम चल रहा है नहीं, अगर चालू हो गया तो हम आपको मीज़ान पर जाएँगे। मीज़ान बोले तो वेट जहाँ पर गाड़ी का होता है, ये देखिए 1 किलोमीटर का निशान भी आ चुका है बोर्ड आ जाएगा। 1 किलोमीटर पहले से हैंड बोर्ड आ चुका है मीज़ान का, गाड़ी वेट का। इधर गाड़ी वेट होती है, वज़न होता है गाड़ी का। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में देखते रहिएगा। ये देखो, ये लिख रहा है व्हीकल स्टेशन फॉर ऑल ट्रक। तो एक ये बोर्ड आ चुका है, 1500 मीटर बाकी रह गया। तो ये देखिए डायना, इसको अरबी में डायना बोलते हैं। तो ये हमारा 1500 किलोमीटर का सफ़र है। ये अपकेक वाला रास्ता है, अपकेक को जाता है। तो इसी रोड से जाएंगे हम, पहले रियाद, फिर उसके बाद में रियाद से जद्दा पकड़ लेंगे। तो देखो अभी ये जो गाड़ी का जो वेट होता है, ये चालू हो चुका है, बन गया नया। ये यहाँ पर वज़न होता है, इसी गाड़ी पर सीधी निकालनी है, सीधी सीधी। तो अभी हम मीज़ान से निकल चुके हैं। मीज़ान ज़रूर कराना है गाड़ी का। अगर नहीं कराओगे ना तो वो सामने जो कैमरे लग रहे हैं ना, वो फिर आप पे फ़ोटो खींचेंगे और 1000 रियाल का कट जाएगा पत्ता, इंडिया के 22,000 रुपये। तो इसीलिए इसको ना छोड़े कभी भी, भूल के भी ध्यान रखना है इसका। बस वेट ज़रूर कराना है, बाकी कुछ चाय कराए नहीं कराए, लेकिन वेट ज़रूर कराना है। और अभी आगे पेट्रोल पम्प आ रहा है, हम उस पर खाएँगे खाना। मर्सिडीज़ की क्या बस जा रही है भाई साहब, ये देखो। ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप, तो अभी इस पर हम खाएंगे खाना होटल पे रोक के गाड़ी। ये एक दुबई की भी गाड़ी खड़ी है, देखो दुबई का ट्रेन आए। तो पार्किंग कर देंगे गाड़ी और खाएंगे खाना, फिर चलते हैं खाना खा के। पार्किंग की भी जगह नहीं मिल रही, ये है कि जगह वहाँ पे रिवर्स लगानी पड़ेगी गाड़ी। चलो, वहाँ तो पार्किंग थी नहीं, रिवर्स में देख रहे थे, तो रिवर्स में भी नहीं है। अभी आगे खड़ी है ना वहाँ पे, उधर खड़ी करेंगे हम भी आगे, और खड़े हैं सितारे ट्राले। देखो ये है सबसे खतरनाक लोड, हैवी ट्रक ड्राइवर, सबसे हैवी लोड तो ज़्यादा ही है। ये देखना कितना वजन है एक ट्राले पे, 2 गाड़ी चलती हैं इस पर, एक आगे से एक पीछे से खींचती है। फ्रेंड्स, ये देखिए हम आ चुके हैं रियाद में। तो रात हो गई थी काफ़ी, हम इधर रियाद में एंटर हुए थे 9 बजे रात को, तो हम यहीं पे सो गए थे रात को। फिर नो एंट्री खुलती रात को 2 बजे, तो कोई फ़ायदा नहीं था 2 बजे निकलने में, ट्रैफिक वो भी ज़्यादा रहता है 2 बजे। फिर अगर 2 बजे हम निकलते तो सारी गाड़ियाँ फिर 2 बजे चलती हैं नो एंट्री खुलने के बाद में। तो फिर हम सो गए, फिर अभी हम उठे 5:30 बजे और 6 बजे स्टार्ट की गाड़ी और चल दिए। तो अभी हम रियाद क्रॉस करेंगे, रियाद क्रॉस करके फिर खाएँगे खाना, नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करके फिर चलेंगे अपने सफ़र के लिए। तो ये देख सकते हैं अभी हम, जैसे हम सुबह निकले ना, तो सुबह निकलने में फ़ायदा, अभी देख सकते हैं आप कोई भी गाड़ी नहीं है,
कोई बड़ी गाड़ी नहीं है ज़्यादा, कोई कोई मिलेगी एक आध दो। तो सुबह निकलने का यही एक फ़ायदा है। तो अभी हम इधर 19 नंबर एग्जिट पे आ चुके हैं। ये जा रहा है रोड, ये तो सीधा जा रहा है बथा के अंदर, सीधा बथा को जा रहा है, और ये ही रोड इधर को जाएंगे सीधा, तो ये अलखर्ज को जा रहा है, जिसको पुराना अलखर्ज रोड बोलते हैं। तो ये पुराना अलखर्ज रोड है, और ये ऐसे ही सीधे हम जाएंगे, यहाँ पर दिराब रोड है, ये सीधा जाएंगे तो दिराब रोड को जा रहा है। ये देखिए गाइस, ये है मेट्रो की कुबरी, सॉरी पुल, कुबरी अरबी में बोलते हैं, ये पुल है, ब्रिज मेट्रो की है, साथ साथ में रोड के साथ साथ में। और रोड देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत रोड है ये गाइस। अभी दिराब से गाड़ियाँ निकल रही हैं, शाम की रुकी हुई खड़ी थी, देखो कितनी लंबी लाइन लग रही, बहुत दूर लंबी लाइन लग रही। तो आगे इशारा है ना, वो रेड लाइट आगे, इस वजह से ये लाइन लग रही बहुत लंबी। और ये देखिए, ये साथ में पेट्रोल पम्प भी है। तो अभी हम ये दिराब रोड से उतर रहे हैं, बस रियाद हमने क्रॉस कर दिया है। ये देखो सऊदी में उसका ओवरटेक के मुखालफे का डर, ठीक है। ये देखो एक ही लाइन में चल रही हैं सारी गाड़ियाँ, जितने भी ट्राले हैं सब ट्रालों की पट्टी यही एक रहेगी, दूसरी पट्टी में नहीं जाएगा कोई भी। अगर पुलिस वाला देखेगा तो इंडिया के 65,000 रुपये का फाइन काट देगा, चुप देसी ऐसी, और तुम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है, इतना सख्त हुआ है। और एक ही गाड़ी ख़राब हो चुकी है, हमारे पीछे देखेंगे तो देखिए शीशे में भी बहुत, हमारे पीछे भी गाड़ियाँ बहुत ढेर सारी है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ लाइन लगी पड़ी, ऐसी पूरी ट्रेन बना दी इसकी तो। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय।